नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मेडिसिन फॉर स्कैल्प सोराइसिस। अगर आप स्कैल्प सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में एक बेस्ट ट्रीटमेंट लेना या बेस्ट मेडिसिन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्कैल्प सोराइसिस को आज के समय में बहुत ईजिली ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो ये स्कैल्प सोराइसिस आपके पूरे शरीर पर भी फैल सकता है। अब स्कैल्प सोराइसिस होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, और ये दिखता कैसे, इसके बाद इसके ट्रीटमेंट या मेडिसिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्कैल्प सोराइसिस यानी स्कैल्प पर होने वाला सोराइसिस, बालों के नीचे होने वाली जो हमारी स्किन है उस पर होने वाला सोराइसिस, इसे खोपड़ी सोराइसिस नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डैंड्रफ और स्कैल्प सोराइसिस में। हालांकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डैंड्रफ में आपको खुजली हो सकती है लेकिन बर्निंग सेंसेशन, ब्लीडिंग महसूस नहीं होती। साथ ही जो डैंड्रफ के जो डैंड्रस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन स्कैल्प सोराइसिस में जब आपके फ्लैंक्स झड़ते हैं तो वो डैंड्रफ के, ये मान लीजिए आप 7-8 गुना होते हैं, एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं। ये डेड स्किन सेल्स होती हैं जो पपड़ी के रूप में आपके स्कैल्प से बाहर निकल रही होती है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुजली, बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो स्कैल्प सोराइसिस में बेसिकली आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और दिखने में ये कैसा होता है, तो दिखने में ये आपकी, इसकी प्रेजेंस आपके फोरहेड पर हो सकती है, आपके कान के पास हो सकती है, आपके बैक साइड में हेड के वहाँ पर हो सकती है। स्कैल्प सोराइसिस आपकी पूरी स्कैल्प में भी हो सकता है, लेकिन जब ये इस कंडीशन में आ जाता है तो ये आपके पूरे शरीर पर भी फैल सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा स्कैल्प सोराइसिस क्या होता है। अब समझते हैं स्कैल्प सोराइसिस के लिए बेहतरीन या बेस्ट इलाज कौन सा रहेगा। तो स्कैल्प सोराइसिस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ऑप्ट कर सकते हैं। रीज़न है, एलोपैथिक मेडिसिन में हम देखते हैं कि स्टेरॉइड्स दी जाती हैं। स्टेरॉइड्स जब पेशेंट खाता है तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट उन्हें खाना बंद कर देता है उनका स्कैल्प सोराइसिस पूरे शरीर पर फैलने लग जाता है या सोराइसिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि ये दवाइयाँ आपके रूट कॉज को ठीक नहीं कर रही, वो सप्रेस कर रही हैं। वहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमें ये देखने को मिलता है पेशेंट दवाइयाँ लेते हैं लेकिन उन्हें खाते नहीं हैं। रीज़न होता है दवाइयों का टेस्ट। कई बार पेशेंट दवाइयों को इस वजह से नहीं खा रहे होते कि उन्हें खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होता है, उन्हें खाने के बाद बहुत अजीब सा महसूस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों को ऑप्ट नहीं करते। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में ये इजी टू कंज्यूम मेडिसिन होती हैं, इन्हें पेशेंट बहुत ईजिली ले लेते हैं और ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके पूरे शरीर में काम करती हैं। भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके स्कैल्प सोराइसिस होने का कारण कुछ और है, आपके शरीर में लक्षण कुछ और दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ सेम नहीं हो सकती, दवाइयाँ अलग अलग होंगी, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। और इसी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। अगर आप भी स्कैल्प सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप भी भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर अपने स्कैल्प की फ़ोटो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।